Subscribe to my channel and hit the bell icon for notifications. Assalamu alaikum. आज मैं बना रही हूँ भुना गोश्त. उसके लिए मैंने लिया है 1/2 kg बीफ. उसके जो है मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं इस तरह से. अब इसमें मैं ऐड करूँगी सॉल्ट टू टेस्ट, हल्दी 1/2 चम्मच, 1.5 teaspoon ऑफ रेड चिली पाउडर, 1 teaspoon ऑफ धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून ऑफ जीरा पाउडर एंड 1/2 teaspoon ऑफ गरम मसाला पाउडर. अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी. इसमें मैं ऐड करूँगी 1 tablespoon भर के अदरक लहसुन का पेस्ट. सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी. इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करें. फिर इसको कुकर में 1 कप पानी के साथ में डाल के इसको अच्छे से पकाएं ताकि एकदम से गल जाए. अब ये जो गोश्त है बहुत ही अच्छे से गल गया है. इसमें जो पानी था वो भी मैंने सारा का सारा सुखा दिया है. अब मैंने एक पतीला गरम किया है. इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1.5 चम्मच घी. जब घी गरम हो जाएगा इसमें मैं ऐड करूँगी 1 small onion फाइनली चॉप्ड. प्याज को जो है पिंक होने तक फ्राई करना है. अब ये जो प्याज है ये पिंक होना शुरू हो गई है. इसके बाद अगर आप चाहें स्पाइसी करना तो उसमें ग्रीन चिली ऐड करें. मुझे स्पाइसी नहीं चाहिए इसलिए मैं ग्रीन चिली ऐड नहीं करूँगी. जो गोश्त मैंने बॉईल किया है मसाले डाल के वो मैं सारा सारा इसमें ऐड करूँगी. 1/2 टमाटो मैंने फाइनली चॉप किया है. 1/2 फ्लेम इसकी थोड़ी कम करूँगी और इसको जो है अच्छे से स्मैश करूँगी. इतना अच्छे से कि थोड़े थोड़े वो जो बोटियाँ जो है उसके रेशे रेशे निकलना शुरू हो जाए. गोश्त अच्छे से गला हुआ है तो प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए. ये कर लिया मैंने मैश. इसको वापस से मैं हाई फ्लेम कर दूँगी. ये देखें रेशे रेशे हो गए हैं गोश्त के. इसको बस 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाना है. और इसमें 1 टेबल स्पून कोरिएंडर डाल के अच्छे से मिक्स करना है. आप इसको नान के साथ सर्व कर सकते हैं, नान की सैंडविच बना सकते हैं, बच्चों को स्कूल के लिए सैंडविच बना के सर्व कर सकते हैं. ये बहुत ही इजी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए. आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.